सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। चलिए, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बैठ जाइए। तो आज हम पिछली कक्षा में पढ़ाया गया कभी हार नहीं होती विषय को मैं समाप्त कर चुकी थी, उसके आज अभ्यास के कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर करूंगी और उसे आप अपने कॉपी में उतारिए, ठीक है? उतार कर फिर बाद में उसे याद करके सुनाइएगा जब मैं सवाल करूँ। चलिए, तो अभ्यास लिखिए। अभ्यास का पहले है लिखित भाग। जितने संक्षिप्त प्रश्नोत्तर है उन्हें ही लिखवाऊंगी और आप लिखिए, ठीक है? जो आपके जो दीर्घ प्रश्नोत्तर या लघु प्रश्नोत्तर वो अगली कक्षा में बताऊंगी आपको। लिखित, तो आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? बताइए। चलिए, तो एक नंबर का क है आपका, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? ठीक है, तो उत्तर क्या है? लहरों से। अगली प्रश्न है आपका, चींटी को क्या नहीं अखरता? बताइए। बार बार चढ़कर दीवार से गिरना उसे कभी नहीं अखरता। बार बार कोशिश करती होती है 100 बार गिरने के बाद भी। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। चींटी को क्या नहीं अखरता? चींटी को क्या नहीं अखरता? तो यह एक शब्द में उत्तर या फिर पद में उत्तर देनी है, ठीक है? गिरकर चढ़ना उसे अखरता नहीं है, तो उत्तर क्या है? गिरकर गिरकर चढ़ना अखरता नहीं है। आइए ग नंबर लिखते हैं। ग नंबर का प्रश्न है आपका, गोताखोर समुद्र से खाली हाथ लौट कर आता है तो क्या करता है? फिर से पुनः प्रयास करता है, ठीक है? गोताखोर, सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ या क्या करूँ? आप लोग किताब में लिख रहे हैं, चलिए मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ, आप लोग वैसे ही किताब में लिख रहे हैं तो प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर लिख रही हूँ और उत्तर देख कर लिखिए। पुनः प्रयास करता है, पुनः प्रयास करता है। उसके बाद घ, घ का सवाल है आपका, असफलता को हमें किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? असफलता को, बहुत अच्छे, तो चुनौती के, लिखिए चुनौती के रूप में। रूप पहले से है तो चुनौती के। उसके बाद हमें क्या छोड़कर नहीं भागना चाहिए? हमें संघर्ष का मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए, बहुत अच्छा, यहाँ लिख रही हूँ संघर्ष का मैदान, या सिर्फ मैदान भी लिखेंगे तो चलता है, संघर्ष का मैदान, मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। आइए, इसके बाद लघु प्रश्नोत्तर है, फिर दीर्घ प्रश्नोत्तर है, वो अगली कक्षा में करेंगे। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, तो इन्हें मिटा देती हूँ मैं। आइए, तो प्रश्न नंबर 4 है, कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती? जीत, हार, मृत्यु, शादी? हार। 4 नंबर का क का उत्तर होगा हार। आप किताब में टिक लगा लीजिए, वहाँ पे दी गई है टिक लगाने की जगह, लगा लीजिए। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? ख, मन का विश्वास रगों में दुख, आदर, डर, साहस? साहस, साहस भरता है। उसके बाद ग, ग में है आपका, मोती कहाँ मिलते हैं?
सागर के गहरे पानी में, पहाड़ों की चोटियों पर, नदी के निर्मल जल में, घाटियों की गहराई में। सागर के गहरे पानी में। बहुत अच्छे, तो उत्तर होगा आपका सागर के गहरे पानी में। उसकी टिक लगा लीजिए। हमें अपनी कमियों का क्या करना चाहिए, उन्हें जानकर सुधार लेना चाहिए, उन्हें बार बार दोहराना चाहिए, उन्हें भूल जाना चाहिए, उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। उन्हें जानकर सुधार लेना चाहिए, बहुत अच्छे, उन्हें जानकर उन्हें जानकर सुधार लेनी चाहिए। और है उसके बाद देखिए कमियों का, वह है जब तक सफलता न मिले तब तक क्या करना चाहिए। चैन से सोना चाहिए, सफलता का इंतजार करना चाहिए, सफलता के लिए सही गलत सभी रास्ते अपनाने चाहिए, सफलता पाने के लिए नींद और चैन का त्याग कर देना चाहिए। सफलता पाने के लिए नींद और चैन का त्याग कर देना चाहिए। चलिए तो घ का और म का, सफलता पाने के लिए नींद और चैन त्यागनी चाहिए। चाहिए उसके बाद है आपका भाषा ज्ञान। आइए इधर लिखती हूँ मैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, एक नंबर का काम, विलोम शब्द है आपका डरपोक। साहसी, बहुत अच्छे, साहसी। उसके बाद ख में है आपका चढ़ना, उतरना, उतरना। उसके बाद खाली, भरा, खाली का भरा। उसके बाद उत्साह, निरुत्साह, निरुत्साह। उसके बाद है हार, जीत। विश्वास, अविश्वास। उसके बाद है सहज, कठिन, सहज का असहज। उसके बाद है आपका स्वीकार का अस्वीकार। बहुत अच्छे, तो हार का हुआ जीत, उसके बाद है आपका विश्वास का हुआ अविश्वास, उसके बाद सहज का असहज। लिख रहे हैं ना आप सभी। उसके बाद ज, ज का स्वीकार, स्वीकार का क्या हुआ अस्वीकार, अस्वीकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका है पर्यायवाची शब्द। इसे मिटा लेती हूँ मैं। इसे लिख लीजिए फिर मैं मिटा दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका दो नंबर है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है लहर, लहर का तरंग, बहुत अच्छे। लहर का तरंग। उसके बाद हाथ, कर, हस्त। पानी,
ग नौका, नाव, पानी, जल, उसके बाद सिंधु, समुद्र, सागर, हार, हार का पर्यायवाची, हार का पर्यायवाची, पराजय, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए, हाथ का हस्त कर, नौ का नाव, पानी का जल, उसके बाद सिंधु का सागर, उसके बाद आखिर में है हार, हार का पराजय। नहीं बेटा, विलोम शब्द नहीं पूछ रही। उसके बाद है मुहावरों का अर्थ, मुहावरों का अर्थ लिखना है और उसके साथ वाक्य बनानी है। तो चुनौती स्वीकार करना, चुनौती स्वीकार करने का अर्थ, मुकाबले के लिए तैयार रहना। तो उसके वाक्य क्या होंगे बताइए। परीक्षा जैसी चुनौती को स्वीकार करनी चाहिए। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। मैदान छोड़कर भाग जाना, डर कर पीछे हटना को कहते हैं मैदान छोड़कर भाग जाना। तो उसका बताइए, आप वाक्य बताइए। मैदान छोड़कर भागने वाले को कायर कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, बैठिए। आगे जय जयकार होना, यानी कि प्रसिद्धि मिलना। जब आपको प्रसिद्धि मिलती है तभी जय जयकार होती है, यानी कि प्रसिद्धि मिलने को ही जय जयकार कहते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक आने के कारण, हाँ, सभी ने राहुल की जय जयकार की, ठीक है। आगे है नीचे दिए शब्दों के विशेषण शब्दों में बदलना है, या शब्दों के विशेषण रूप लिखना है, ठीक है। चलिए, चार नंबर है आपका, विशेषण रूप लिखना है। पहला है डर, डर का विशेषण रूप बताइए। विशेषण शब्द क्या होगा? डर से डरपोक, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए क है, उसके बाद ख, ख में विश्वास है, विश्वास का विशेषण शब्द विश्वसनीय, ठीक है, विश्वास। विश्वसनीय ग मैदान, बेटा मैदानी, बहुत अच्छे। मैदानी, उसके बाद घ, घ में है आपका मेहनत, बहुत अच्छे। मेहनती, उसके बाद आखिर में है, नहीं आखिर नहीं, और भी दो हैं, उत्साह, बहुत अच्छे, उत्साहित। उसके बाद आखिर में है आपका त्याग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, त्याग से त्यागी। चलिए, सारे संक्षिप्त प्रश्नोत्तर जितने भी थे सारे समाप्त हुए। बाकी जो रह गए आपके लघु प्रश्नोत्तर और दीर्घ प्रश्नोत्तर, अगली कक्षा में उसे समाप्त करेंगे। चलिए, आप गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य पाठ एक का अभ्यास के सारे संक्षिप्त प्रश्नोत्तर याद कर आना, ठीक है, लिख लीजिए।
गृह कार्य लिख लीजिए और जो भी आपको गृह कार्य मिला उसे अच्छे से याद करके अगली कक्षा में आइएगा, मैं उसे पूछूंगी और उसके साथ लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर मध्य लिखवाऊंगी। आशा है आप सभी को कक्षा अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बैठ जाइए आप सभी।